हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट किए गए स्मार्टफोन और टैबलेट, फिर चाहे वो सैमसंग का हो, मोटोरोला का हो, लावा का हो या फिर एसर का हो, इनमें जो डिफॉल्ट वॉलपेपर दिया गया है उसको कैसे चेंज करना है, इससे रिलेटेड मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसका यूज करके बहुत सारे स्टूडेंट ने सक्सेसफुली अपने वॉलपेपर को चेंज भी कर लिया था। बट कुछ दिनों बाद कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाने की वजह से ये ट्रिक वर्क करना बंद कर दिया था। अगेन मैंने एक नया वीडियो बनाया जिसमें मैंने एक लैपटॉप का यूज करके आप लोग को बताया था कि इस वॉलपेपर को कैसे चेंज करना है। बट ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लेंदी था, अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट के आसपास था। बट कुछ दिनों बाद वापस से सॉफ्टवेयर अपडेट आने की वजह से ये ट्रिक भी वर्क करना बंद कर दिया था। इन वीडियोस को अपलोड किए 2 महीने से ज्यादा का टाइम हो रहा है, बट मैंने एक चीज नोटिस करा है कि अभी भी इन वीडियोस पे व्यूज आते हैं। इसका मतलब कि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी जानना चाहते हैं कि इस वॉलपेपर को कैसे चेंज करना है। एंड बहुत सारे लोग तो कमेंट करके भी मुझसे पूछते रहते हैं और वो वहां पे बताते हैं कि सर आपने जो ट्रिक बताया वो वर्क नहीं कर रहा है या फिर कोई दूसरा तरीका है तो बताइए। अब क्योंकि मुझे कोई तरीका नहीं पता इसलिए मैं उन लोग को रिप्लाई भी नहीं दे रहा था और ना ही इससे रिलेटेड कोई वीडियो बना रहा था। अब यहाँ पे पॉटर्स लैब ने स्टूडेंट्स की इस प्रॉब्लम को एड्रेस करा और उन्होंने एक डेडिकेटेड ऐप बनाया जिसका नाम है यूमो लॉन्चर, जिसका सोल पर्पज है इस वॉलपेपर को चेंज करना। इस ऐप को मैंने पर्सनली अपने फोन में डाउनलोड करके यूज किया है एंड इसका जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो ये है कि आपको इसे यूज करने के लिए कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ ही इस ऐप का जो इंटरफेस है वो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और क्लियर है। अदर लॉन्चर की तरह आपको इसमें कोई एड्स देखने को नहीं मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग होता है एंड इसको यूज करना भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे कि इसको कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना है, यूमो लॉन्चर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो हम लोग इसको सिंपली ओपन करेंगे एंड नीचे साइड आप लोग देख पा रहे होंगे आपको गूगल अकाउंट के थ्रू लॉग इन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर टैप करके सिंपली अपने अकाउंट को सेलेक्ट करके आपको इसमें लॉग इन कर लेना है। तो हम लोग इसमें लॉग इन कर लेते हैं। लॉगिन होते ही आपको वॉलपेपर चूज करने के लिए ऑप्शन देगा जिसमें आपको टोटल 8 इमेजेस दिखाई दे रहे हैं जिसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं पेंसिल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो डिफॉल्ट होम ऐप यानी कि जो लॉन्चर है उसको हमें यूमो लॉन्चर को एज अ डिफॉल्ट यहाँ पे चूज कर लेना है। तो इसको हमने सिंपली चूज किया एंड यहाँ पे देखिए हमारा जो वॉलपेपर है वो सिंपली चेंज हो गया है। अब अगेन अगर आप इसके वॉलपेपर को चेंज करना चाहते हैं देन अगेन आपको यूमो लॉन्चर ऐप ओपन करना है एंड सबसे टॉप पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा चेंज बैकग्राउंड का, जिस पे क्लिक करके आप लोग सिंपली इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक छोटा सा कैच ये है कि आप लोग इसको तभी यूज कर पाएंगे जब आपका जो यहाँ पे यूमो क्रेडिट बैलेंस है वो 11 या उससे ऊपर होना चाहिए जो कि अभी यहाँ पे 0 से हो रहा है। तो ये कैसे हमें मिलेगा उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे नीचे एक शेयर यूमो लॉन्चर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसके थ्रू आपको क्या करना है इसके लिंक को शेयर करना है अपने व्हाट्सएप पर किसी 3 दोस्तों को। इसमें क्या होगा कि अगर आप 1 लोग को शेयर करते हैं तो आपको 5 क्रेडिट बैलेंस मिलेगा। इस तरीके से अगर आप 3 लोग को शेयर कर लेते हैं तो टोटल 15 क्रेडिट बैलेंस मिल जाएगा एंड उसके बाद आप लोग सिंपली इसके वॉलपेपर को चेंज कर पाएंगे। तो चलिए इसको जल्दी से हम लोग शेयर करते हैं। अगर आप लोग चाहें तो अपने किसी एक दोस्त को ही 3 बार भी शेयर कर सकते हैं या फिर 3 अलग अलग दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो अभी देखिए हमने यहाँ पे 3 बार शेयर कर लिया है और यहाँ पे हमारा जो क्रेडिट बैलेंस है वो 15 हो गया है। तो अब हम लोग चेंज बैकग्राउंड का जो ऑप्शन है उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। सिंपली इस पर हम लोग टैप करेंगे एंड देखिए अभी यहाँ पे जो है वॉलपेपर आपको थोड़ा इंक्रीज़ हो गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो वॉलपेपर आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो 24 है एंड आप इनमें से कोई भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपली गणेश भगवान का चूज़ करता हूँ और यहाँ पे सिंपली सबमिट पे क्लिक करते हैं एंड देखिए यहाँ पे हमारा जो वॉलपेपर है वो सिंपली चेंज हो गया है। बट यहाँ पे एक छोटा सी प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हम लोग इसमें कोई कस्टमाइज वॉलपेपर यानी कि अपना खुद का कोई इमेज नहीं यूज़ कर सकते हैं एज अ वॉलपेपर। मे बी फर्दर अपडेट में आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाए। अब आप लोग कमेंट करके ये मत बोलिएगा कि आप लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या फिर ये ट्रिक वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो तरीका है ये पूरी तरीके से लीगल है और ये जो ऐप है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो आप लोग सेफली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।